रोहित शर्मा के साथ हमने इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की थी 2018 में जब उन्होंने स्टैंड इन कैप्टन के तौर पर एशिया कप जीता था और उसके बाद पांच साल लगातार अलग अलग वजहों के चलते इंतजार बढ़ता गया तो थैंक यू सो मच रोहित टाइम देने थांक के, के, के लिए पाँच साल थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग लेकिन अलग अलग था। तो, बट थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच तो शुरुआत करें डायरेक्ट हाँ शुरू करो रोहित क्रिकेट पे तो काफी हम लोग बात करते ही हैं लेकिन रोहित शर्मा क्रिकेट के बाहर की जो पर्सनालिटी है कई उन सब सवालों के बारे में जब सब सबसे पहले कि भाई आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हो मतलब रिलैक्स होने का रीज़न स्ट्रेस फ्री इज़ इट नेचुरल या फिर आई थिंक वो नेचुरल है आप रिलैक्स कैसे रहना है और उसकी आई डोंट थिंक यू कैन प्रैक्टिस कि आप क्या करना चाहिए रिलैक्स रहने के लिए योगा वोगा है बट जो आपके अंदर इनबिल्ट है वो इनबिल्ट है, इन है वो आपका नेचर है तो मैं जनरली इवन आ, घर में भी छोटा भी था तभी भी एकदम रिलैक्स्ड रहना मुझे पसंद रहता था ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना और हड़बड़ी मचाना वो मेरे जहन में नहीं है तो इसीलिए मेरे को स्कूल में भी बोलते थे लोग कि यार बहुत कैजुअल बंदा है यार ये बहुत कैजुअल है तो बट बैटिंग में भी मेरे को मैं जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना लोग बोलते थे कि कैजुअल है कैजुअल है बट इट इज़ नॉट मैं मैं रिलैक्स रहना पसंद करता हूँ शांति शांति मेरे लिए सब कुछ है तो शांति से खेलो शांति से जियो और शांति से दूसरों को जीने दो <laughs> तो ये इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ फिलोसफी तो और शादी के बाद कितना बदलाव आया और जब फादर आप बने उसके बाद कितना बदलाव आया हाँ देखिए दो मोड़ था अलग अलग मोड़ है आ, शादी के बाद का जो मेरा आ, शादी के पहले का जो मेरा लाइफ था ओबियसली यू नो मैं बचपन से ही अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता था मैं अपने दादाजी के साथ रहता था और उसके बाद आ, जब धीरे धीरे खेलना शुरू किया जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो अकेला रहना शुरू किया मैंने मैं अकेला रहता था आ, तो शादी के पहले तक अकेला रहना फिर उसके बाद शादी के बाद जब बीवी आई ऑब्वियसली कुछ चेंजेस लाइफ में होते हैं बट आई थॉट वो मेरे लिए सही टाइम था आ, और सही टाइम पे मेरा मतलब मेरी शादी भी हुई आई थिंक मैं और ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गया हूँ और ज़्यादा काम हो गया हूँ और ज़्यादा ठंडा और हो गया हूँ क्योंकि अभी मेरे को डिसीजंस लेने पड़ते हैं तो डिसीजन <laughs> लेने के लिए मुझे दिमाग को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है पहले अकेला था बिंदास इधर उधर घूमता था अभी ये नहीं कि मज़ा नहीं आता है बट इट इज़ यू नो वेन एवर यू डू समथिंग ऑब्वियसली यू आर थिंकिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स तो उस हिसाब से आई थिंक uh, और मेरा जो नेचर है ये मेरे नेचर को सूट करता है ठंडा थंद, थंद, रहना रिलैक्स रहना तो शादी के बाद और uh, जब बेटी हुई उसके बाद तो और भी मैं एकदम रिलैक्सड हो गया हूँ आ, बट मुझे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं ग्राउंड पे तो तू तो रिलैक्स लगता नहीं हमको कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है बट यार तो अभी काफ़ी लड़के लोग नए हैं जिनको बोलना पड़ता है तो अभी क्या कर सकते हो आप बिटिया क्रिकेट समझती है देखती है जैसे वो बोलती है कि भाई फादर इतने बड़े क्रिकेट वो एहसास है नहीं हैं उसको कुछ मालूम नहीं है वो सब बट उनको पता है कि मैं कुछ खेलता हूँ यहाँ क्योंकि ऑब्वियसली एवरी सेकेंड डे आई एम आउट ऑफ द हाउस तो मम्मी को पूछती है कि यार ये मतलब वेर इज ई गोइंग क्यों बार बार ये घर छोड़ के जा रहे हैं ये वो ऐसा तो मतलब अभी हमने तो कोशिश किया अच्छे तरीके से समझा के सब कुछ करने का बट बच्ची है बच्ची बच्चे को बच्चों को कितना अभी आप समझाओ ऑब्वियसली uh, यार शी मिसिज मी लॉट तो इसीलिए बार बार पूछती रहती है मम्मी को बट uh, उनको पता है उसको पता है कि कुछ ना कुछ तो ये करते खेलते हैं बाहर जाके और उनको मालूम है क्रिकेट उसको पता है कि क्रिकेट गेम है काफ़ी लोग खेलते हैं उसको इतना तो मालूम है तो देखती है मैच घर में जब होते हैं वो लोग फैमिली साथ में बैठ बैठी रहती है तो मैच देखती है बट आई मीन हमारे को टाइमिंग भी रखना डिसिप्लिन टाइमिंग रखना भी बहुत ज़रूरी है तो आ, हमारे मैचेस जो है वो काफ़ी लेट ख़त्म होते हैं तो इसी के नॉट ऑब्वियसली वॉच

चावल दाल ये जो मेरा सबसे फेवरेट है दाल चावल फेवरेट मतलब मैं कहीं पे भी कहीं पे भी एक कभी भी खा शाकाहारी देसी खाना हो गया अरे तो मेरे को वो पसंद है भाई मैं बचपन में यही खा के भला पला बड़ा हुआ यार और मैं रसम और रसम राइस भी खाता था हम हम साउथ इंडियन है तो घर में हमारे रसम राइस भी बनता था मेरे को बहुत पसंद है तो अभी भी जब जहाँ पर भी मिलता है दाल तो चाहे व कोई भी दुनिया के कोने में हो दाल तो आपको मिल ही जाता है इंडियन uh, रेस्टोरेंट अभी सब जगह खुले हुए तो इसीलिए दाल राइस इन इंडियन फैमिलीज़ आप लोग को ऑफर कर जैसे पास्ट अर्लियर होता था जनरेशन में इंडियन फैमिली बुलाते थे अब आप लोग जा पाते हैं या खाना वो भेजते हैं इंडियन फैमिलीज ओवरसीज़ में लोग हैं वैसे बाहर काफ़ी लोग हैं जो हेल्प करते हैं और मैं उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोगों के लिए आसान नहीं होता है बाहर एडजस्ट करना बाहर का खाना एडजस्ट करना Uh, और वेजिटेरियंस को तो खास करके क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप सिर्फ नॉन वेज ही खाते हो तो आपको यू you नो know, उतने सॉरी uh, आप सिर्फ वेज ही खाते हो तो उतने ऑप्शन नहीं मिलते आपको तो डिफ़िकल्ट हो जाता है बट आई I मीन mean, जैसे मैंने बोला दाल चावल सब जगह मिलता है और सब लोग दाल चावल खाते तो रोहित पिछले डेढ़ दो सालों में देखा फैंस को लेकर आप लोग काफ़ी अकोमोडेटिव रहते हैं स्पेशली ओवरसीज में जहाँ भीड़ नहीं रहती है अलग अलग एज ग्रुप के वेस्ट इंडीज़ में देखा एक बड़े बुजुर्ग दंपत्ति आए थे आपको आशीर्वाद दे रहे थे कई बार बच्चे इंडिया में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं फैंस के साथ मिलना या टाइम इस इसके बारे में बताएँ नहीं देखिए आई मीन फैंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द गेम दे आर द वंस एक्चुअली हु मेक द गेम वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस स्पेशली एंड देन कमिंग आउट एंड सपोर्टिंग उनके बिना क्रिकेट क्रिकेट क्या कोई भी स्पोर्ट स्पोर्ट जैसा नहीं रहेगा क्योंकि अगर आप देखो वर्ल्ड में इतने सारे स्पोर्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं तो फैंस लोग बड़े बड़े नंबर्स में आते हैं मै मैचेस देखते हैं इवेंट्स देखते हैं तो उनके वजह से जो भी होता है उनके वजह से होता है आ, यू नो तो हमारे लिए हम भी कोशिश करते हैं टीम यहाँ पर भी कनेक्ट कर सके फैंस के साथ मिल सके तो हम कोशिश करते हैं उनको मिलकर मोबलाइज करने की क्रिकेट के बाहर इंडियंस हर इंडियंस का एक शौक है फिल्म और म्यूजिक तो फिल्म पे आते हैं तो कौन सी फिल्म किस तरह की हिंदी फिल्म है इंग्लिश फिल्म है कौन सी फिल्म है सब कुछ मतलब डिपेंड करता है मूड के ऊपर यार मेरे को हमारी टीम में काफ़ी लोग हैं जो ऑल टाइम बेस्ट मूवी ऑल टाइम बेस्ट मूवी में कोई ऐसा ऑल टाइम फेवरेट फिर भी नहीं नहीं कोई तो होगी ऐसे नहीं।, नहीं है नहीं है अनफॉर्चुनेटली नहीं आपको वो आंसर मेरे से कभी नहीं मिलेगा अच्छा है कॉमेडी मूवी देखना पसंद करता हूँ हाँ। सब जो भी कॉमेडी मूवीज आती है और मेरे को डॉक्यूमेंट्री मूवीज शोज ये पसंद है ट्रू स्टोरी जो भी होता है उसके ऊपर बनाया होता है तो मुझे वो काफ़ी दिलचस्प लगती है क्या बात है हिंदी में तो बेहतरीन बोल रहे हैं और म्यूजिक गाने मतलब जो सिंगर्स हैं जो आपको पसंद है एटीज़ वाले नाइन्टीज़ वाले नहीं, नहीं हमें इतना नहीं। कोई उतना नहीं रखता हूँ तो आप क्या सुनते हो मैं अगेन सॉ डिपेंड कि क्या मूड है माहौल क्या है अभी क्या चल रहा है कभी सॉफ्ट गाना सुन लिया कभी थोड़ा सा हाइप कर दिया जनरली तो एक बार गो टू सॉन्ग होता है ऐसा कुछ नहीं है मेरा मैं एकदम अलग सा आदमी हूँ यार मेरे को आप ये सब मेरा दिस इज नॉट माई फोटे अच्छा एक चीज़ ये जाना जैसे आप इतनी जगह गए हैं दुनिया में हर जगह क्रिकेट खेली है आपका पसंदीदा जगह कि मैं क्रिकेट छोड़ूं तो यहीं पर जाके घूमने जाऊं आई लव ट्रैवलिंग बट ऐसा कोई फेवरेट नहीं है कि मेरे को यहाँ जाके बस जाना है मेरे को सब मैं अपने अब तक जितनी जगह ट्रैवल की उसमें सबसे बेस्ट जगह आपको लगी हो मेरे को लंदन बहुत पसंद है यार लंदन बहुत पसंद है मेरे को दुबई भी पसंद है क्योंकि बिल्कुल घर के बगल में <laughs> और uh, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पर बिकॉज नाउ आई वी थिंक यू हैव टू थिंक अबाउट एवरी तो मेरी बच्ची को भी पसंद है दुबई उसको लंदन भी पसंद है तो प्लानिंग अभी सब कुछ ध्यान में रखते जा... हुए करना पड़ता है कोई एक ऐसी कंट्री जहाँ पर आप गए नहीं एज ए क्रिकेट इंडिया नहीं जाती है वहाँ पर तो वैसी जगह आप जाना चाहते हो after... आफ्टर स्कैंडिनेवियन एक हाथ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मैं जाना चाहता हूँ वो एक मेरा वो है आई वुड से बकेट लिस्ट मुझे आ, वो नॉर्दर्न लाइट्स देखना है तो होपफुली अगर मौका मिले कभी क्योंकि वो उसका भी एक पीरियड होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास ही होता है और वो हमारा पीक सीजन होता है उस टाइम पे हम क्रिकेट खेलते ही रहते हैं हमेशा तो बट लेट्स सी डेस्टिनी में होगा तो होगा क्रिकेट के बाहर आपके हीरोज स्पोर्टिंग हीरोज बोला ना विमल कुमार <laughs> क्रिकेट के बाद प्लेयर बात <laughs> कर रहे हैं देखिए मेरे पिताजी मेरे सबसे बड़े हीरो है यार ये मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ मैं क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल से उन्होंने हमें पाला पोसा और सब कुछ किया तो मेरे लिए तो सबसे बड़े मेरे हीरो वही है क्योंकि ये जो स्ट्रगल से जो भी अगर आप ऊपर आते हो ना वो उसका फल जो रहता है वो बहुत मीठा रहता है तो ये स्ट्रगल आ, हम तो छोटे थे मेरे पिताजी ने देखा है हमने तो देखा नहीं उतना हमने भी देखा है बट ऐसे उससे नहीं देखा जो मेरे पिताजी मेरी मम्मी ने देखा तो आई थिंक मेरे लिए हीरो मेरे मम्मी डैडी है ऑनेस्टली क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आ, हमें पाला पोसा पेट हमारा पेट भरा मेरे और मेरे भाई का तो हमारे लिए तो मेरे लिए तो वो दोनों वो दोनों है आखिरी सवाल रोहित अब जब पिताजी से मिलते हैं या माँ से मिलते हैं तो रोहित शर्मा कोई उन, उनके सेंस ऑफ प्राइड यू फील या दे ट्रीट यू जस्ट लाइक ए नॉर्मल सन फादर रिलेशनशिप हाँ और क्या बिल्कुल और ये इस बात का नहीं गर्व कि भाई जिस बेटे ने इतना कुछ अचीव किया इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरी दुनिया उनके पीछे है मेरे फादर इज़ अ बिग लवर ऑफ टेस्ट क्रिकेट तो उनको बाकी कोई फॉर्मेट में इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्ट है क्योंकि मैं खेलता हूँ तो देखते बट ऐसे कोई मतलब वो नहीं है कि ठीक है यार डबल हंड्रेड किया तूने ठीक है कोई बात नहीं अच्छी है अच्छा अच्छा है जब मैंने टेस्ट डेब्यू किया तो उन्होंने मुझे सुबह को फ़ोन किया शाम को फ़ोन किया बड़े खुश थे पहला जब हंड्रेड किया उसी मैच में मैंने हंड्रेड किया तो उसके बाद मेरे साथ बात किया उन्होंने काफ़ी देर तक तो उनके लिए आई थिंक वो ज़माने के जितने भी लोग हैं आई थिंक वो टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू करते हैं कि भाई उन्होंने देखा हुआ है टेस्ट क्रिकेट कितना डिफ़िकल्ट होता था, था जब इंडियन टीम जाती थी वेस्ट इंडीज़ में हमने अभी हम रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ में थे हमने काफ़ी हमें हम हम जब भी वेस्ट इंडीज़ जाते हैं तो हमें ये सब स्टोरी सुनने में मिलती है कि किस तरीके से इंडिया ने यहाँ पर आके खेला क्या क्या चैलेंजेस थे आ, बोलर्स लोग क्या करते थे विदाउट हेलमेट विदाउट बहुत डिफ़िकल्ट मतलब तो ये सब ये मेरे पिताजी के जहन में है ये सब चीज़ की इसीलिए उनको टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है और टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल ही एकदम दिलचस्प रखते हैं वो अभी भी, भी मैं इंडिया अगर नहीं भी खेल रही है तो कोई और खेल रहे तो वो टी देखना पसंद करते हो चलते चलते आखिरी सवाल ऋतिका के बारे में पूछा नहीं ये स्टोरी सुनी थी कि भाई आपने जिस तरह से उनको प्रपोज़ किया था उस ग्राउंड के बारे में उस स्टोरी के बारे में शायद आपने कभी बात नहीं की है नहीं देखिए वो मैं वहाँ पे मैंने अपना क्रिकेट शुरू किया था मेरा लाइफ का फर्स्ट फेज तो लाइफ का सेकेंड फेज़ भी मैं वहीं पर शुरू करना चाहता था तो तो वहाँ पर वो सब हुआ उसके बाद हमने उसी साल हमने शादी की 2015 में और अब उस दिन से लेके अब तक उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है uh, सबको पता है यार इट इज़ नॉट इजी यू नो व्हाट दे डू इन योर लाइफ व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन दे हैव इन योर लाइफ इट इज़ अनमैच्ड यू कैन नॉट यू कैन नॉट डिस्क्राइब ऑनेस्टली यू कैन नॉट डिस्क्राइब कि उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन जो रहता है घर uh, में घर के बाहर फिर uh, जब मेरे साथ रहती है तब यू नो इट इट इज़ नॉट इजी और मतलब हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हम हमेशा घर के बाहर हैं और बच्ची घर में अकेली रहती है यू नो टाइम देना उनको संभालना ये सब करना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड यू नीड सपोर्ट ऑफ द फादर ऑल्सो एट दैट पॉइंट तो वो नहीं होने के बाद आई कैन ओनली इमेजिन कि कितना टफ होता होगा उनके लिए कि मैनेज करना बट उन्होंने कभी उसके बारे में बात नहीं की कभी बोला भी नहीं कि यू नो मुझे डिफिकल्टीज हो रही है ये हो रहा है चुपचाप उन्होंने अपना जो भी है वो अपने पास रखा क्योंकि शी शी वांट्स टू लिव शी वांट्स मी टू लिव माय ड्रीम एंड यू नो आई हैव बिग फेवर और आई ओ हर बिग टाइम तो करेंगे कुछ ना कुछ देखते आगे कुछ मौका मिलेगा तो आई विल रिटर्न इट बैक इन सम वे और दी अदर आपको और राहुल भाई को देख रहा हूँ लगा था पिछले डेढ़ दो सालों में आप लोगों को हर टूर पर देख रहा हूँ जिस तरह का रिलेशन है किस तरह का रिलेशन है क्योंकि जहाँ तक राहुल भाई की बात है यार आई हैव यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम वट ही वट ही इज एज अ पर्सन फर्स्टली देन ऑब्वियसली एज़ क्रिकेटर क्योंकि इंसान होना सबसे अच्छा इंसान अच्छा होना वो सबसे अहम चीज़ है उसके बाद आप क्रिकेटर हो फुटबॉलर हो जो भी हो डॉक्टर हो पहले आप इंसान अच्छे होने चाहिए तो आई थिंक वो इंसान बड़े बहुत अच्छे इतने साल मैंने उनको देखा है उनके अंडर मैंने डेब्यू किया था ज़्यादा खेल नहीं सका आ, और अभी मौका मिला है मुझे एनसीए में जब थे काफ़ी बातचीत होती रहती थी बट अभी हमने क्लोजली पिछले दो साल से काफ़ी बातचीत की है और काफ़ी जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि एकदम कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं रखना चाहते किसी भी प्लेयर और किसी भी सपोर्ट स्टाफ और किसी के भी बीच में उनका सबसे पहला वो रूल है कि यार जो भी है हम कम्युनिकेट करेंगे और यार उनके उनसे जितना भी हो सकता है जितना भी उनका गेम को लेके समझ है वो उन्होंने लोगों को समझाया है टीम में टीम में वो पास ऑन किया है वैसा मैसेज और एकदम ओपन रिलेशनशिप है हमारा हम बात करते रहते हैं चीज़ों के बारे में प्लेयरों के बारे में क्या करना है कैसे खेलना है उसके बारे में तो आई हैव इंजॉयड माई टाइम विद हिम रियली एक बड़ा ये ड्रीम है सबका कॉन्वर्सेशन की विराट कोहली और रोहित शर्मा जब बैटिंग के बारे में बात करते हैं क्या बात करते हैं आप लोग ओवर द ईयर्स में जैसे आप लोग एक दूसरे की बैटिंग डिस्कस करते हैं बैट्समैनशिप के बारे में जनरली या दूसरे बैट्समैन के बारे में वो कॉन्वर्सेशन कभी हम लोगों ने सुना है में? हाँ बैटिंग के बारे में बैट्समैनशिप आप और अगर विराट बात करते हो तो विद इन द क्रीज में या बाद में रे क्रीज है? में तो हम यही बात करते हैं यार कौन बॉल डाल जनरली एक दूसरे की बैटिंग के बारे में अगर आप उनकी बैटिंग के बारे में या वो आपकी बैटिंग के बारे में और जनरली ऑन बैट्समैनशिप बोथ टू नहीं नहीं हम देखिए डिस्कशन होता रहता है कि आ, ये ये सीरीज़ में ये क्या क्या करना है हम सीरीज़ टू सीरीज़ जब भी मिलते हैं तो सीरीज़ में सीरीज़ कौन सामने आ रहा है कौन से प्लेयर आ रहे हैं कौन से बॉलर आ रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब चीज़ के बारे में बात करते हैं बेसिकली अपनी जर्नी को जब आप देखते हैं बीस साल के लड़के की तरह आपने डेब्यू किया था टू में किंग्स मीड में एंटीनी पोलाकुल उन सबके सामने में फिर ऑस्ट्रेलिया गए ऑस्ट्रेलिया का हाई था लोज भी था और अब एक मतलब अगर देखा जाए पचास से ज़्यादा आपके बावन टेस्ट मैच हो गए हैं हंड्रेड टेस्ट मैच इज़ समथिंग यू एम फोर आई डोंट थिंक टू फार लाइक दिस ई मैं आदमी ऐसा नहीं हूँ कि इतना आगे का सोचू मेरे लिए अभी सामने एशिया कप वर्ल्ड कप दो चीज़ है तो फिलहाल तो मैं एशिया कप के लिए देख रहा हूँ उसके बाद जब एशिया कप खत्म होगा उसके बाद हम सोचेंगे और बीच में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी है भाई उसको कौन उसको भी नहीं भूल सकते तो हमारे पास आ, तीन सीरीज है अभी तो ये फ़िलहाल मेरा फोकस ये शॉर्ट टर्म चीज़ों पे होगा और मैं ऐसे ही अपने लाइफ में रहता हूँ ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ लाइफ में भी मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि जो अभी सामने है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए आगे जो है आगे क्या होगा वो अभी आप क्या करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है तो इसीलिए मेरे को फोकस करना है अभी मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं अभी जो कर रहा हूँ करूँगा वो आगे का मेरा आ, डिसाइड और या डिपेंड करेगा जो भी है तो एक चीज़ जो आपने कहा मतलब मुझे याद है रिकॉर्ड विकॉर्ड कर रहे हैं ध्यान देते दस हज़ार टेस्ट रन होने वाले हैं आपके उन सब पे आप, आपने कहा कि लेकिन एक रिकॉर्ड जो छक्के वाला रिकॉर्ड है क्रिस गेल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ये बहुत रेयर होता है तो उसके बारे में बताएं कि गेल वाला रिकॉर्ड आप खुद सरप्राइज होने वाले हो आपके दोस्त ने कुछ कॉमेंट किया था याद नहीं है मुझे बट हाँ देखिए वो एक यूनिक रिकॉर्ड होगा अगर हुआ तो <laughs> नहीं होगा ही मतलब कभी लाइफ में भी मैं नहीं सोच सका सकूंगा कि वो जो रिकॉर्ड क्रिस गेल का है वो मैं तोडूंगा तो इट इज़ फनी बट ठीक है अच्छा तो कई बार आपको नहीं लगता कि ये जो निकनेम आपको मिला हिटमैन तो हिटमैन तो आप मतलब उस तरह से हिटर तो आपने आप तो यू आर मोर तो लाइक अ एफर्टलेस प्लेयर तो कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है हिटमैन और आपके छक्के भी हिट उत, इतने सारे नहीं ये तो आपको लोगों से पूछना चाहिए मैं तो क्या आप जब सुनते हो तो मतलब यू आर लाइक अ मतलब मोर लाइक अ क्लासी टाइमिंग वाले उस तरह वाले प्लेयर हो नॉट मसल वाले मसल वाला तो नहीं हो लेकिन जोर से बॉल मारना पसंद करता हूँ ऐसा बट देखिए अभी मतलब जब मैंने क्रिकेट शुरुआत की थी तब बेसिकली हमारे को सिखाया जाता था कि टाइमिंग करना बहुत ज़रूरी है एरियल शॉट्स जो हम लोग खेलते वो हम लोग को तभी बोला जाता था कि आप ऊपर से नहीं मार सकते आ, और हम स्कूल में प्रैक्टिस करते थे तो ऊपर से मारने की कोई बात ही नहीं होती थी क्योंकि अगर आप ऊपर से मारोगे तो दूसरे को बॉल लग जाएगा ऐसा होता था हमारे पास कोई नेट वेट नहीं होता था स्कूल में तो हमको नीचे से खेलना पड़ता था तो वैसे ही ये स्टार्ट हुआ क्रिकेट का जो बेसिक्स होता है कि आप टाइम करो बॉल को बॉल के लाइन में आओ ये सब चीज़ तो वो स्कूल से स्टार्ट हुआ मेरे लिए क्योंकि आ, जैसे हम बोलते हैं कि बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए बेसिक्स यही बेसिक्स था कि आप बॉल के लाइन में आओ सर सीधा रखो बैट को बॉडी के पास से लाओ बॉल तक पहुंचो और नीचे से खेलो ऊपर से अगर हम खेलते थे तो हमें नेट से बाहर निकाला जाता था रोहित अब हम लोग आखिरी स्टेज में आ गए कुछ लास्ट में क्विक फायर एक करूँगा वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक सवाल जो है जो बड़ा जिसका जवाब चाहूँगा ऋषभ पंत को लेकर ऋषभ पंत इस टीम में नहीं है हर किसी ने बात की हमें इसका बैस बॉल बैस बॉल चर्चा हो रही है आपने कुछ दिन पहले कहा था कि बैस बॉल से पहले तो रिश बॉल आया था उसके बारे में जानना चाह रहा था क्योंकि पूरी दुनिया में बात हो रही है कि भाई अरे बैस बॉल बैस बॉल क्या है यार वो में ब्रेंडन में कल खुद उसको खुद को उस नहीं पसंद नहीं है नहीं मतलब वो स्टाइल मतलब फगेट द नेमिंग क्या? जो नॉमिन क्लेचर जो उसको भूल जाए तो ऋषभ पंत ने जो किया आपको लगता है वो क्रेडिट नहीं मिला इंडिया को कि भाई मतलब जिस तरह से ऋषभ ने खेला है हाँ मैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही खेले वो Uh, क्योंकि अपने गेम को उन्होंने बैक किया है और इतना कॉन्फिडेंस रखा अपने गेम को लेकर कि ये मेरा गेम है इस मैं ये मैं ज़िद्दी वाला नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं ऐसे ही खेलूँगा नहीं मैं उसने बैक किया यार उसमें फेलियर भी हो सकता था ना एंड देर वॉज देर वर ऑलरेडी टॉक्स अबाउट हिज गेम तो उन्होंने उस चीज़ को इतना ध्यान में नहीं रखा उन्होंने बोला नहीं ये मेरा गेम है बट मैं रिस्क लेके खेलूँगा बट उससे मैं जब भी बात करता हूँ ना तो बट उसका हमेशा से रिप्लाई ऐसे ही रहता है कि मैं टीम का सिचुएशन समझ के खेलता हूँ ऐसा नहीं कि जाके खेल लिया अपना मुझे जो करना है मैं वो, वो करूँगा ऐसा वाला उसका एटीट्यूड नहीं है उसको गेम का जो सिचुएशन होता है वो उसको मालूम होता है कि क्या है या तो गेम इस तरफ जा सकता है या उस तरफ जा सकता है तो वो सिचुएशन में वो हमेशा प्रेफर करता है कि गेम इस तरफ कैसे मेरे को लेके जाना है उनके तरफ कैसे नहीं जाना चाहिए तो वो हमेशा पॉजिटिव साइड में जाने को देखता है तो और उसको रिजल्ट्स मिले इतने अभी हाल ही में तो आई थिंक जिस तरीके से वो खेलते हैं आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि टीम में कोई ऐसा रहे कि ऐसा खेले जो प्रेशर सीधा पहले बॉल से प्रेशर डाल सके बॉलरों के ऊपर और उनको उसमें सक्सेस मिली है टीम को सक्सेस मिली है तो Why नॉट प्रॉब्ली जो टीम अभी तक आपको जो मिली है उस लिहाज से आप कह सकते हैं पॉसिबली जितने दिन से आप कप्तानी करें बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब जहाँ पर बैटिंग ऑप्शन बॉलिंग ऑप्शन ऑलराउंडर सारी चीज़ें यू हैप्पी विद डैट कह हा, सकते हा, हैं बिल्कुल देखिए अभी हम हमने पिछले कई सालों में ये एक चीज़ हमें हमने नोटिस की है कि हम हमको जो डेप्थ क्रिएट करना है बैटिंग में या बॉलिंग में चाहे जो भी हो हमको वो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी टीम वर्ल्ड में काफ़ी डेप्थ लेके आती है और काफ़ी डेप्थ से खेलती है तो आई थिंक हमारे लिए भी वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है तो उस रोल में जो भी प्लेयर्स फिट होते हैं वो रोल जो जो कर सकते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको मौका दिया जाए उनको टीम के साथ रखा जाए ताकि हमें ऑप्शन मिले हर तरीके का कॉम्बिनेशन खिलाने का आ, और यू नो रिसेंटली भी हमने देखा है कि हम आ, वो बैटिंग डेप्थ अगर नहीं होता है तो हम मैच भी हारे हैं तो आई थिंक हमको ये चीज़ आगे जा आगे चलते हुए हमें ये चीज़ हमेशा से ध्यान में रखना होगा कि वो डेप्थ जो है वो कैसे हम बरकरार रखें और आ, उसको मेंटेन कैसे किया जाए क्योंकि जो जो मैंने जैसे बताया कि जो जो प्लेयर वो रोल कर सकते हैं और उन प्लेयरों को आइडेंटिफाई कर कर यू हैव टू देन मेक योर बेस्ट प्लेइंग एलेवन वर्ल्ड कप की बात आती है तो पहला आपके रोहित शर्मा के जहन में क्या है वर्ल्ड कप की मैं जो आपने पहली बार वर्ल्ड कप की बात होता है जब आप ग्रोइंग अप ईयर्स में थे नहीं देखिए एकदम सबसे अहम ट्रॉफी है वर्ल्ड कप Cup... नहीं आपकी यादें मैं बोलूँ जब आपने वर्ल्ड कप के बारे में सुना तो किसका चेहरा क्या वो मैं जानना चाह रहा था मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई सिर्फ चेहरा नहीं वर्ल्ड कप दिखता है वो जो तीन जो छोटे छोटे पिलर बने उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है तो वो दिखता है मुझे <laughs> क्योंकि आ, मैंने तो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीता है बट 50 ओवर इज़ 50 ओवर वर्ल्ड कप इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग वन और उसका कुछ खास ही uh, चाम है क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड कप कभी एवर एनी वर्ल्ड कप वॉज प्लेड वॉज फिफ्टी ओवर वर्ल्ड कप सो इसका जो uh, जो चाम है वो अलग है तो आई थिंक मेरे लिए बस जब भी वर्ल्ड कप की बात होती है तो मैं आ, बिल्कुल देखिए अभी आ, हमारी हिस्ट्री है हमने 83 में फर्स्ट जीता था फिर 2011 में जीता है तो हमने जीता हुआ है वर्ल्ड कप और ये उन दोनों टूर्नामेंट्स में क्या क्या हुए थे क्या क्या अच्छे चीज़ हुए थे वो वो सब चीज़ आपके जहन में रहती है एटी में क्या हुआ था ऑल आई वॉज़ नॉट बॉर्न बट हम फुटेज देखते वीडियो देखते आ, उस उ, उसका अभी भी दिखाया जाता है तो और 2011 में जो हम जीते यू you नो know, जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो जो अन मतलब बोलते ना कि एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन से मैच जीतना वो, वो हुआ है तो वो सब चीज़ें यू you नो know, ध्यान में आता है 2011 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा क्लोज़ आए थे चूके थे आप नहीं थे उस वक्त किसी ने आपको अगर ये कहा होता कि चलो कोई बात नहीं दो हज़ार ग्यारह में दो में जब अगली बार इंडिया में वर्ल्ड कप होगा आप लीड करोगे यकीन होता मैं इतना आगे का मैं नहीं सोचता कभी कि बट देन हाउ यू लुक एट दैट कि भाई मतलब इट्स इट्स आल्सो मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु माइट मिस आउट दिस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड इज नॉट एंडिंग या आई मीन सी लुक इन 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 स्पोर्ट जनरली गुड थिंग अबाउट दिस स्पोर्ट इज कि आप हमेशा कमबैक कर सकते हो चाहे कोई भी सिचुएशन में हो कोई भी uh, अपने करियर में हो फेज में हो uh, कोई भी एज हो Uh, आप हमेशा यू कैन ऑलवेज मेक अ कम बैक एंड यू कैन यू नो नॉट प्रूव एनी वन एल्स बट प्रूव योर सेल्फ कि भाई मैंने दो हज़ार ग्यारह में जब मैं ड्रॉप हुआ मुझे नहीं मुझे नहीं पता था कि मैं इसके आगे वर्ल्ड कप खेल पाऊँगा या नहीं बट अभी ये मेरा तीसरा वर्ल्ड कप है तो मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है दुनिया में जो लगता है कि नामुमकिन है बट उसको मुमकिन करने के लिए आप के ऊपर ही आपका भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर आपके एबिलिटी पर कि मैं चाहे कोई भी चीज़ हो कैसा भी सिचुएशन हो कितनी भी डिफ़िकल्टीज हो मैं उस चीज़ को कैसे भी करके पार करूँगा और ओवरकम करूँगा ऐसा एटीट्यूड रहना बहुत ज़रूरी है तो मैं भी यही समझता हूँ कि जब जब 2011 में मैं नहीं सिलेक्ट हुआ था तब तो मैं डिसअपॉइंटेड था आ, मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या करना चाहिए मुझे अभी ये वो तो आई एम श्योर यार लोगों लड़कों को ऐसा फील होता है जब दे वेन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप बट बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जो जिन्होंने वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए फिर फिर उसके बाद जाके उन्होंने अपना करियर एकदम सुपअप बनाया आपने कहा कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है इम्पॉसिबल है एक वर्ल्ड कप में पाँच हंड्रेड करना लास्ट लास्ट टाइम आपने किया था लोग तो कहेंगे इंडिया में वर्ल्ड कप पिछली बार पाँच हुआ तो पाँच पाँच नहीं तो चार हो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छा करूँ अच्छे फ्रेम में रहूँ अच्छे स्पेस में रहूँ क्योंकि 2019 में मैं मुझे याद है मैं अच्छे फ्रेम में था प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहा था अपने आप को अच्छा प्रिपेयर किया था तो ये सब चीज़ मैं जो कंट्रोल में है मेरे में वो कर सकता हूँ और अभी भी कोशिश मैं वही कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे फ्रेम में रहूँ और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करूँ और फिर अपने आप को मैं मौका दे सकता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करने का अगर मैंने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया है तो तो अभी भी मैं वही करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूँ और यू you नो know, अभी देखिए वो 2019 था अभी हम 23 में हैं हमें हमें थोड़ी सी यू you नो know, आदत हो आदत है कि जो पिछली बार ही हुआ है इस बार भी वही होना चाहिए वैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए पिछली बार हम मैंने पाँच सेंचुरी की है बट हम सेमीफाइनल में हार गए तो हम नहीं चाहते कि वो करेक्ट तो सब कुछ 2019 ईयर के जैसा नहीं होना चाहिए भले मेरे एक हंड्रेड लगे या दो लगे या लगे ही नहीं लेकिन वर्ल्ड कप जीतना है हमें ये मेन गोल है तो ये मेरा हंड्रेड हो या इसका हो या उसका हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बट अगर आप ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट रहता है तो आपको पूरा अपना ध्यान और पूरी जान उस चीज़ के लिए लगानी चाहिए अब रोहित अब हम लोग गए आखिरी में इसमें आपको लंबे जवाब नहीं देने छोटे-छोटे सिंगल ये टी टेन टी ट्वेंटी आपको थोड़ा सा इसमें लेकिन गुगली में डालने की कोशिश कर रहा हूँ पसंदीदा दोहरा शतक अगर दो आपके जो हैं उसमें से किसको चूज करेंगे नहीं कर सकता है? छोड़ दिया आपने यार इतना बढ़िया <laughs> वो है मैं कैसे छोड़ सकता हूँ मैं तीनों का एग्जाम्पल देता हूँ आपको क्यों नहीं छोड़ क्यों नहीं एक पिक कर सकता पहला जो है वो पहला है <laughs> पहला 200 तो पहला 200 होता है तो वो तो स्पेशल रहेगा हमेशा दूसरा जो था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड <laughs> तो फिर तीनों इम्पोर्टेंट करियर के दौरान कौन से गेंदबाज एक गेंदबाज जिसको खेलने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई एक गेंदबाज सेम चैलेंज किसी बॉलर ने मुझे किया है और <laughs> <laughs> मजा आया मुझे खेलने में वो है डेल डेलस्टेन रीजन अरे भाई क्लास है उनका है स्किल्स है यही रीजन है टप्पा छोड़ते नहीं है वहीं से स्विंग स्विंग कराते तेज स्विंग कराते बहुत कम लोग हैं जो 140 प्लस पे स्विंग करते बॉल तो वो थे जो कंसिस्टेंटली करते थे वैसा क्रिकेट का एक नियम जो आप बदलना चाहेंगे एक रूल I don't know यार क्या मैं बोल सकता हूँ अच्छा क्रिकेट को और ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए कोई एक नियम जो आप ऐड करना चाहेंगे आपके सजेशन कि और एक्साइटिंग हो जाए इसमें क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रोहित शर्मा का एक सजेशन कि ये करा आप लोग ये जो हम लोग छक्का मार दें ना ये जो सत्तर अस्सी मीटर होता है अगर नब्बे मीटर गया तो आठ रन मिलना चाहिए सौ मीटर गया तो दस रन मिलना चाहिए वैसा होना चाहिए क्योंकि यार इतना दूर छक्का का कुछ तो फायदा होना चाहिए नहीं तो फायदा दे रोक के बाहर बॉल गिराओ या इतना अंदर मारो दोनों को छह रन ही मिलते तो उसमें क्रिस गेल और जो मैं हूँ मतलब <laughs> इतना बड़ा डिफरेंस है अभी क्रिस गेल देखो यार वो सौ सौ मीटर पोलाड है तो इतने लंबे लंबे वो लोग छक्के मारते हैं हम लोग ऐसे ही कर दिया उधर उसके पीछे गिर गया मिला। वो थोड़ा सा है यार फॉर आईसीसी दैट्स अ गुड वन एक फॉर्मर प्लेयर जिसका आप सामना नहीं कर पाए लेकिन आप करना चाहते एक ऐसा ग्लेन मिग्रा, ग्लेन मिग्रा। मिग्रा। अपने करियर के अंत तक एक रिकॉर्ड या उपलब्धि जो आप अपने नाम करना चाहेंगे uh, no, नहीं। टीम इंडिया के लिए खेलते हुए एक ऐसी उपलब्धि जो हासिल करना चाहते थे और आपने हासिल कर भी लिया अब तक जो आप एक चाहते थे कि ये आपका टारगेट था जो अब तक आपने अचीव किया हाँ वर्ल्ड कप जीतना ही था यार मेरे लिए तो सबसे बड़ा चीज ओके वो एक मैच जिसमें आपको जीत की उम्मीद नहीं थी लेकिन आपकी टीम को जीत मिली कोई भी आईपीएल पी एल इंटरनेशनल एनीथिंग उम्मीद नहीं थी ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ चाहे कोई भी सिचुएशन हो हम उम्मीद नहीं हार सकते ठीक है मैं बोल सकता हूँ डिफिकल्ट था जीतना पर हम जीते जैसे कि गैबा वाला टेस्ट मैच बहुत डिफिकल्ट था इसीलिए क्योंकि हमारे तीन या चार प्लेयर मैच के पहले ही इंजर्ड हो गए देर वेडी लॉर्ड ऑफ इंजरीज इन द स्कवाड बिफोर दैट टेस्ट मैच रविंद्र जडेजा सिडनी में इंजर्ड हो गए फिर अश्विन का बैक का कुछ प्रॉब्लम हो गया था सुबह सुबह देन hmm. बुमरा डिन प्ले उसका भी बैक का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये सब एकदम जल्दबाजी में हो गया और हमारे पास सुबह सुबह यू नो वैट टू पिक द गज आई डोंट इन नो इफ देवर इन द स्कॉड यू नो सो अगर ऐसा सिचुएशन जब भी होता है तो आप एकदम हड़बड़ा जाते हो कि आप प्लेयर्स कहाँ हैं ये उन्होंने प्रैक्टिस की है ठीक से नहीं की है प्रैक्टिस मैचेस खेले नहीं खेले ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने इसके पहले टेस्ट मैच खेला है या नहीं खेला है काफी सारी चीजें होती है तो आई थिंक वो सब uh, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक इट वॉज

<laughs> <laughs> मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कंसिस्टेंटली उसने मारा है यार वो शॉट मतलब वो बैठता नहीं है नीचे मारने के लिए वो खड़े खड़े ऐसा मार देता है तो बहुत रेयर नहीं कोई नहीं है पूरे हिस्ट्री में जो खड़े खड़े ऐसे पीछे मारता हो यार ये पहली बार मैंने देखा है कि ये प्लेयर यू नो अच्छे बॉल को बीच का बॉल जो होता है जो बॉलर का गुड लेंथ होता है और बॉलर 90 परसेंट ऑफ द टाइम वहां पर डालने की बात करता है या सोचता है और उस बॉल को अगर ऐसा उठा के पीछे मारना वो पेस पे 135 140 के स्पीड पे अपर कट अपर कट आई यार चलिए अब लास्ट स्टेज एकदम आ गए व्हेन यू हियर द वर्ड विच प्लेयर्स कम्स टू माइंड टैलेंट गिल कूल cool. कूल cool. कुला आई वुड से सूर्या यो यारों का यार एक एक ये वाला मत छोड़ो यारों का शिकर दैट्स अ गुड वन है ए भाई हम यार अंडर 19 मैं एक्चुअली उसका फैन था अच्छा बता दो वो ये भी बता रहा हूं हाँ। क्योंकि यार वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज बन गया यार इतने रन बनाए जो उसने बांग्लादेश में एंड देन वी वर प्लेइंग अंडर 17 और समथिंग तो हम उसके बाद हमारा एन में सिलेक्शन हुआ एन के लिए खेलना आ, तो उधर शिकर का भी हुआ था तो उसमें वो पहली बार आए थे उधर और उन, मैंने उनको पहली बार देखा था और मैं बस देख रहा था यार इनको बस वो होता है ना एक एक हर प्लेयर का ऐसा होता है कि एक प्लेयर को टीवी पे देखा है खेलते हुए और वो उसका मतलब उसमें कुछ है यार अलग कुछ है तो शिकर का वैसा था क्योंकि इतना उसका नाम हो गया था उस टाइम पे अंडर नाइनटीन के उसमें तो जब हम पहली बार आए खेलने उधर एनजी में तो मैं तो बस उसको देख ही रहा था मतलब तो यार बंदे में कुछ है अलग और है भी अलग ही वो तो प्रूव कर दिया उसने इतने पंद्रह बीस साल में तो और उसके बाद हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया उसके बाद हम इंडिया ए टोर पर गए मेरा रूम पार्टनर था फिर उसके बाद इंडिया खेले साथ में ओपनिंग किया इतने साल और एकदम मस्त मोल है एकदम रिलैक्स बंदा है काफी चिल करता है एकदम हाँ कोई प्रेशर, प्रेशर ऐसा मुझे लगता ही नहीं है कि कोई प्रेशर से वो या कोई चीज़ों से डिस्टर्ब है डिस्टर्ब होता है या कुछ होता है आई डोंट थिंक सो हाँ बैटिंग करते हो जब हम करते हैं बैटिंग तो अजीब अजीब से सवाल जरूर पूछता है वो कि जैसे yes, जैसे अभी जेम्स डेल बॉल डाल रहा है तो इन स्विंग ही करेगा ना उसके लिए तो वो फिर भी आगे पूछेगा कि ये इसका क्या होता है उसका क्या होता है जेम्स एंडरसन क्या करता है कहाँ डालेगा मुझे अरे मुझे इधर डाल रहा है तुझे कहाँ डालेगा मुझे थोड़ी पता है यार तू फिगर आउट कर ये सब चीज़ तो ऐसे चलिए अब आखिरी आपने तो वैसे बोल दिया फैन लेकिन मैं ये आई एम फॉर एवर ए फैन ये चाह रहा था वो तो आपके कंटेम्प्रेरी हैं दोस्त हैं अगर ये वर्ड आते हैं आपके दिमाग में आई एम फॉर एवर ए फैन किसी क्रिकेटर के बारे में पास्ट यू आर फॉर एवर ए फैन विमल

किसी तरह का प्रेशर या वही रोहित शर्मा हमें देखेंगे जो नहीं, है नहीं, हम, हमें हमें पता है प्रेशर है सब कुछ है तो उसके बारे में सोच के बात करके क्या फायदा है कोई फायदा नहीं है तो हम लोग यार अच्छी चीज ये है कि टीम में लड़के जो जितने भी है हमारे सब ने इंडिया के लिए खेला हुआ है आ, तो उनको ऑलरेडी यहाँ इंडिया का फील आ चुका है कि यहाँ पे खेलना कितना वो होता है प्राइसलेस होता है प्रेशर कितना होता है तो एक हिसाब से और एक उससे ये चीज़ अच्छी है हाँ आई नो फिफ्टी ओवर वर्ल्ड कप बहुत लोग पहली बार खेलने वाले हैं बट कुछ लोगों ने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेला है तो ऐसा नहीं है कि एकदम एकदम सा ये हो जाएगा बट हम उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करेंगे हम सिर्फ कैसे खेलना है क्या करना है डिफरेंट ऑपोजिशन खेलेंगे एवरी गेम तो उनके बारे में बात करेंगे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे यार लाइफ में आगे बढ़ना है बस बहुत बहुत शुक्रिया रोहित वर्ल्ड कप के समय इतने व्यस्त शेड्यूल में आपने इतना वक्त thank दिया you. और आपके साथ साथ बी -सी 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 का भी शुक्रिया जिन्होंने इजाज़त दी क्योंकि आपका शेड्यूल इतना टाइट था तो थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग एंड आप लोग बताएँगे कैसा इंटरव्यू रहा फिलहाल मेरे साथ इतना ही